Hey guys, welcome to Roy Digital and this is Rishikesh Roy, your digital marketing trainer and friend. Guys, आप लोगों ने previous video जरूर देखा होगा जो कि था content creation. पहले उस video को देखो, then इस video को start करो. तो make sure guys कि आप sequence में चलोगे ताकि आपको चीजें ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आए. So guys, आइए चलिए शुरू करते हैं. आज का जो content है वो है graphic designing. Guys, इस session में आप सीखोगे how you can create any kind of image without knowledge of any हैवी टूल्स विच इज फोटोशॉप इलस्ट्रेटर वगैरह वगैरह एंड ऑल. सो गाइस, इस पर्टिकुलर सेशन में मैं आप लोगों को इतना सिखा दूंगा कि आपको अगर कभी भी किसी इमेज की जरूरत पड़े तो आपको ऐसा ना करना पड़े कि गूगल से डाउनलोड किया फिर उसे आपने अपने पर्टिकुलर वेबसाइट में यूज कर लिया. गाइस, डोंट डू दैट बिकॉज अगर वो कॉपीराइटेड इमेजेस होगा तो आप लीगल इशू में फंस सकते हो. तो ऐसा तो करना नहीं है. हम डिजिटल मार्केटर्स क्या करते हैं गाइस, हम हमेशा फ्रेश चीजों पर काम करते हैं, चाहे वो टेक्स्ट कॉन्टेंट हो, चाहे वो इमेज कॉन्टेंट हो, चाहे वो वीडियो कॉन्टेंट हो. कॉन्टेंट किसी भी टाइप का हो वो फ्रेश और यूनिक होना चाहिए. तो इसके लिए हमें क्या करना है, या तो फिर मुझे खुद नॉलेज होनी चाहिए इसका मतलब कि मैं खुद के इमेजेस बना पाऊं. और उसके लिए अगर मैं आप बोलूं कि अब आप जाके फोटोशॉप सीखो, कोरल ड्रॉ सीखो, इलस्ट्रेटर सीखो, तो गाइस इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग थिंग. एंड हम डिजिटल मार्केटर्स जो होते हैं गाइस, हमें कुछ चीजों को क्रिएट नहीं करना होता, ये जो इमेज वीडियो क्रिएट नहीं करना होता है, हमें सिर्फ इनकी नॉलेज होनी चाहिए. तो अगर नॉलेज की बात करूं तो सिंपल कुछ ऐसे चीजें सीख लो जो आपके लिए एनफ है ग्राफिक डिजाइनिंग में और जिससे आप इजीली किसी भी टाइप का ग्राफिक बना सकते हो. जैसे कि ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने जो थंबनेल देखा था ना गाइस, मैंने खुद बनाया है और उसके लिए मैंने कोई भी फोटोशॉप कोरल ड्रॉ कुछ भी नहीं यूज किया क्योंकि मैं सिर्फ एक ऑनलाइन टूल यूज करता हूं व्हिच इज नोन एज canva.com. गाइस, canva.com एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर जाके आप किसी भी तरह के इमेजेस बना सकते हो. बट गाइस, canva.com के लिए आपको कोई भी सोफिस्टिकेटेड रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं पड़ती. सबसे पहले आपको canva.com परचेज नहीं करना होता लाइक फोटोशॉप की तरह या कोरल ड्रॉ की तरह. सेकंड, आपको उसको इंस्टॉल नहीं करना पड़ता अपने सिस्टम पे क्योंकि उनको इंस्टॉल करने के लिए भी गाइस बहुत अच्छा कॉन्फिगरेशन का लैपटॉप होना चाहिए. तो इन दो बड़े खर्चे से मैं बच जाता हूं. तो canva.com मेरे लिए तो बहुत यूजफुल होता है. मैं आपको आज सेशन में वही सिखाने वाला हूं कि कैसे आप एक canva.com को यूज करते हुए इजीली अपने ग्राफिक डिजाइनिंग के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो. गाइस, ग्राफिक डिजाइनिंग हमें क्यों सीखना है, डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट ये क्यों है गाइस, इसलिए है क्योंकि ग्राफिक्स की जरूरत हमें हर जगह पड़ेगी. आपके वेबसाइट में, आपके फेसबुक पोस्ट में, ट्विटर में, लिंक्डइन में, यूट्यूब वीडियोस के थंबनेल में, हर जगह ग्राफिक्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी. इसलिए ये नॉलेज लेना जरूरी है. तो आज मैं इस सेशन में आप लोगों को बिल्कुल कंप्लीट नॉलेज देने वाला हूं कि एक ग्राफिक्स कैसे बना सकते हो. और तो छोड़ो गाइस, इस सेशन में आपको ये नॉलेज देने वाला हूं कि सबसे पहले आप जो स्टार्ट करोगे वो स्टार्ट करोगे अपने ब्रांड के लोगो से. कैसे आप एक लोगो बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ कैनवा जिसकी मार्केट कॉस्ट आराम से 1000 से लेके 5000 रुपीस चार्ज करते हैं. ग्राफिक्स डिजाइनर एक सिंपल लोगो बनाने के लिए आप बिल्कुल फ्री में बनाओगे, वो भी 2-3 क्लिक्स के अंदर. तो आइए मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे और मैं आपको ले चलता हूं कैनवा के इस पूरे ट्यूटोरियल में. ओके, सो करंटली राइट नाउ इन यू एंड माय कंप्यूटर स्क्रीन गाइस, एंड आई वुड लाइक टू शो यू दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द कैनवा इज. सो गाइस, कैनवा में जाने के लिए आपको सिंपल अपने ब्राउजर में लिखना पड़ेगा canva.com. As you can see that right now the canva.com is here, and that is the reason I can see my computer screen as a Canva dashboard. So what you need to do guys, you need to simply go to your browser, and for the first time you need to sign up. Jaise ki maine sign up pehle kiya tha to mujhe bar bar sign up nahi karna hai, mujhe login karna hai. But aapko first time ke liye Canva jo log use nahi kar rahe hain abhi tak, unko sign up karna hai. But jinhone Canva already use kar rakha hai unko sirf jaake simple sign in karna hai. So I hope so far so clear guys. To iske liye aapko kya karna hai, canva.com पे अपना साइन अप अकाउंट, एक नया अकाउंट क्रिएट करना है. वंस आपने साइन अप कर लिया है तो यू विल गेट दिस डैशबोर्ड, आपको ये डैशबोर्ड मिल जाएगा कैनवा का. नाउ द नेक्स्ट स्टेप, द स्टेप नंबर 2 इज गाइस, एज आई सेड कि हमें साइज का ध्यान रखना है कि किस साइज का हमें एक कंटेंट बनाना है. अगेन अगर मैं बात करूं कि देयर आर डिफरेंट डिफरेंट साइजेस अवेलेबल इन कैनवा, जैसे कि चलते हैं नंबर 1. जैसे आपको यहां पर दिख रहा है गाइस क्रिएटर डिजाइन में आपको सोशल मीडिया दिख रहा है. सोशल मीडिया का जो साइज है इसने बाय डिफॉल्ट आपको बताया है कि पिक्सल, दिस इज नोन एज px into pixel. तो 800 by 800 पिक्सल का आपका सोशल मीडिया एक इमेज बनना चाहिए, या फिर इसका जो इमेज का साइज होता है ये बाय डिफॉल्ट यही होता है अगर आप सोशल मीडिया पे पोस्ट करने के लिए कोई ग्राफिक्स बना रहे हैं. प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं विंडोज के अंदर तो आपको 1920 और 180 पिक्सल का आपका वाइड होना चाहिए, दिस इज नॉन एज प्रेजेंटेशन. एंड अगर आपको पोस्टर बनाना है तो बाय डिफॉल्ट ये सेंटीमीटर्स में दिखा रहा है क्योंकि पोस्टर जो होता है वो एक बड़ा साइज होता है जो पिक्सल में नहीं बनाया जाता, तो दैट इज द रीजन वी यूज इट फॉर सेंटीमीटर्स. देन फेसबुक कवर, अब देखो फेसबुक में लोग कवर यूज करते हैं ना, कवर फोटो, तो हमें कभी साइज का उसमें अंदाजा नहीं होता कि उसमें कितना साइज लगेगा. बट कैनवा में यही बेनिफिट है, व्हाट पिक्सल साइज शुड बी देयर फॉर अ फेसबुक
कवर फोटो. द सेम हैपेंस विद फ्लायर. फ्लायर में मिलीमीटर से बनाया जा रहा है. फेसबुक पोस्ट, अगेन ये डिफरेंट फेसबुक पोस्ट है गाइस. देखो ये एक सोशल मीडिया है जिसमें आप जनरल किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में यूज कर सकते हो, बट अगर आप फेसबुक पोस्ट बनाना चाहते हो स्पेशली, तो आई वुड से कि ये साइज आपके लिए बेटर रहेगा, जो कि नीचे बताया जा रहा है 940 पिक्सल बाय 788 पिक्सल. नाउ इंस्टाग्राम के लिए 1080x1080 पिक्सल. सेम वे आपको यहाँ पर बहुत सारे अपने ईमेल के लिए हेडर बनाना है, यू कैन यूज दिस पिक्सल. अगर आपको पिंटरेस्ट के लिए बनाना है तो यू कैन यूज दिस साइज. फेसबुक ऐप के लिए सो डिफरेंट डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है. सर्टिफिकेट बनाना है तो दैट शुड बी इन द सेंटीमीटर्स. लेटर हेड बनाना है, A4 डॉक्यूमेंट बनाना है, तो ऑल द साइजेस आर अवेलेबल हियर विदाउट knowing the knowledge of what should be the size for that particular graphic. So all the things are available here. So guys, this is what exactly the beauty of Canva. Now what if say ki mujhe sabse pehle logo banana hai. So let's learn guys how to create a logo. Logo banane ke liye hame kya karna hai guys. Logo banane ke liye sabse pehle main aapko batana chahunga ki first you have to see ki aapko logo kis type ka banana hai. Example, agar main google pe jaunga and if I'll write google pe I need a logo, तो यहाँ पर आपको देखिएगा गाइस freelancer.com में आपको लोगो बनाने के ऑप्शंस बहुत सारे मिल रहे हैं. यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसमें आप लोगो बना सकते हो, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है If custom logo design, professional designer, 99 designs, free logo creator. So guys, ये जो free बोल रहे हैं ये free actually में होता नहीं है. You have to pay then after that. आपको definitely pay करना पड़ेगा. I can surely say that कि आप इन सब पे कर सकते हो. Now again, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि let's write brand logo. तो गाइस ब्रांड लोगो में अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि किस टाइप के लोग लोगो बनाते हैं. तो अगर मैं सबसे पहले स्टार्टिंग में जाऊँ कि यहाँ पर देखते हैं, तो ये टेस्ला का ये लोगो है. टेस्ला को टी इस तरह से बनाया गया है कि ये इनका एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बन जाए. जैसे कि आपको टेस्ला का अपना अपना एक फॉन्ट है, टेस्ला का एक लोगो ब्रांड कलर है, और ये टी इस तरह से यूज हो रहा है. मिनी एक कार कंपनी है, मिनी कूपर जिसे कहते हैं, उनका लोगो ऐसा है. क्रॉक्स का, कॉटन का, द नॉर्थ फेस. सो दीज ऑल आर व्हाट गाइस, दिस इज नॉन एस्ट लोगो. एंड लोगो रियली हेल्प अ ब्रांड रिकॉग्निशन. एक लोगो की जरूरत होना आज की डेट में उतना ही रिक्वायर्ड है जितना आपका एक ब्रांड नेम रिक्वायर्ड है. तो इसलिए आज हम सीख रहे हैं कि हाउ वी कैन क्रिएट आवर लोगो. गाइस लोगो में ज्यादा कुछ नहीं होता है. लोगो में सिर्फ आपको इस तरह से अपने ब्रांड के जो एक रिकग्नाइजेशन है उसको क्रिएट करना है, ताकि कभी भी कोई आपके लोगो को देखे तो उसको एकदम से क्लिक उसके दिमाग में आ जाए, अच्छा ये तो इस कंपनी का, ये कंपनी है. कभी आपको YouTube पूरा पढ़ना पड़ा? नो, क्योंकि आप YouTube को देखते ही विदाउट पढ़े ही समझ जाते कि YouTube है. Netflix कभी आपको पढ़ना पड़ा कि ये Netflix पूरा पढ़ोगे तब आपको पता लगेगा कि ये Netflix का? नो, बिकॉज दिस इज नॉन एज ब्रांड रिकग्निशन बाय जस्ट सीइंग द लोगो, बाय जस्ट You know, looking into the logo. So that is the reason कि ये सारे logos ऐसे बनाए जाते हैं. अब Canon में logo क्या है? सिर्फ Canon को अपने font पे लिखा गया, अपने customized font पे लिखा गया है. C के इस तरह से, C यहाँ से आ रहा है, A यहाँ से थोड़ा सा curve है. So इस तरह से Canon को अपने word को ही उन्होंने अपने लोगो में कन्वर्ट कर रखा है. एक ही लोगो का दो वर्जन होता है. The one version is the square version and the second version is its horizontal version. तो ये ध्यान रखना, rectangle version and square logo दोनों होता है. अब मैं example यहाँ पर देना चाहूंगा Google logo. अगर मैं Google logo यहाँ पर लिखूंगा तो you would say guys ये Google का rectangle logo है और ये Google का square logo है. तो Google का एक small logo होता है सिर्फ G से भी Google ही represent होता है, और ये Google का पूरा logo है. अगेन मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगा Flipkart. So there will be always two logo for everyone. अब देखो ये this is the Flipkart logo and this is the entire Flipkart logo. Two versions of logo you can create. The one logo is for the small place where you can only put the square version of your logo, and the second place you can put the entire horizontal version of your logo. So that is the reason you always should create two types of logo, two version of logos according to the size and availability you can use your logo in that place. If I'll talk about Amazon, so Amazon ke liye show you is a sirf ye ek logo hai, or Amazon the whole logo is this. ठीक है, आई होप सो फार सो क्लियर. सो लोगो ऐसा नहीं है कि एक ही फिक्स होना चाहिए. लोगो कुड बी डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन और डिफरेंट डिफरेंट वर्जन के डिफरेंट डिफरेंट लोगो आप बना सकते हो. देर इज नो क्वेश्चन ऑन दैट. सो सिंपली यू कैन डू दैट. बट हाँ, वो मिलता जुलता जरूर होना चाहिए, ताकि उसको देख के ये लगे कि हाँ ये इट बिलोंग्स टू द Amazon. अब देखो Amazon का बैकग्राउंड ब्लैक है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि ये लोगो नहीं हुआ है. तो सही ना, बिकॉज
इसका जो ये एरो है दैट एरो रिप्रेजेंट्स द Amazon। अब ये ए के नीचे एरो लगा दो, चाहे पूरे Amazon पे एरो लगा दो या फिर Amazon.com पे एरो लगा दो, बट दैट विल काउंट एज द लोगो ऑफ दैट पर्टिकुलर ब्रांड। आई होप सो फार सो क्लियर। ओके, नाउ अब इस लोगो को हमें कैसे बनाना है गाइस। सबसे पहले कैनवा में जाना है, कैनवा में लोगो का साइज डिसाइड करना है। कल ही मैंने एक लोगो बनाया गाइस, यू कैन सी दैट, और आप बिलीव नहीं करोगे मैंने कैनवा में बनाया है Facts24 एक साइट है जिसमें वो फैक्ट्स के बारे में लिखते हैं एंड फैक्ट्स ओवरऑल नॉलेज जनरल नॉलेज इसके बारे में हम बनाते हैं। तो आई टोल्ड यू एट द बिगिनिंग ऑफ दिस लेक्चर गाइस कि मेरा कैनवा में बहुत अच्छा हेल्प होता है, कैनवा से कैनवा मुझे बहुत हेल्प करता है। तो गाइस कैन यू इमेजिन कि इस टाइप का लोगो मैंने इतना फैबुलस और इतना सोफिस्टिकेटेड लोगो मैंने सिर्फ एक सिंपल क्लिक में बना दिया। हाउ यू ऑल्सो कैन डू दैट, लेट्स लर्न इट गाइस। नंबर वन, सबसे पहले आपको यहाँ पर एक साइज को लेना पड़ेगा एंड फर्स्ट यू नीड टू फाइंड अ डिजाइन, लोगो डिजाइन यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा, लेआउट। सो कैन यू सी दिस, ये आपका लोगो का साइज है विच इज 500x500। आपको सिंपल इसको करना है क्लिक। ओके, नाउ लेट मी हेल्प यू विद दिस गाइस। यहाँ पर आपको कुछ चीजें मैं बता दूं। नंबर वन, दिस इज नॉन योर ड्राइंग एरिया, ये आपका ड्राइंग एरिया है जो व्हाइट कलर का आपको दिख रहा है। इससे बाहर कुछ भी अगर आपका जाता है तो वो आपके ड्राइंग में काउंट नहीं होगा और वो कहीं से भी डाउनलोड नहीं होगा। तो जितना ये व्हाइट पोर्शन है आपको सिर्फ उतने के अंदर ही अपना ड्राइंग पूरा बनाना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्यू ऑफ द थिंग्स हियर गाइस। ये है आपके इस पर्टिकुलर डिजाइन के टेम्पलेट जो कि फ्री में अवेलेबल है। एज यू कैन सी दैट फ्री ये कुछ टैंपलेट्स हैं। टैंपलेट्स को कैसे यूज करना है उसके बारे में हम बताएंगे। आपको अपने पर्टिकुलर ड्राइंग के अंदर कुछ भी चाहिए, चाहे वो आपका फॉर एग्जांपल फोटोज चाहिए आपको फ्री में, यू कैन यूज इट। आपको ग्रिड चाहिए, ग्रिड मतलब होता है कि आप अपने पूरे इमेज में दो पार्ट में इमेज बनाना चाहते हो, तो इस पार्ट में सिर्फ टेक्स्ट होगा या इस पार्ट में टेक्स्ट होगा या इसमें इमेज होगा इसमें टेक्स्ट होगा। आपको पूरा एक इमेज एक ही पार्ट में चाहिए, यू हैव टू डिवाइड द एंटायर इमेज इनटू टू पार्ट हॉरिजॉन्टली वर्टिकली। इस तरह से रेशियो डिफाइंड होगा कि इमेज बड़े वाले ग्रिड में आएगा। तो यू कैन चूज द ग्रिड फ्रॉम हियर, यू कैन यूज शेप्स, अगर आपको चार्ट्स इन्फोग्राफिक्स बनाना है यू कैन यूज इट, लाइंस बनाने हैं, फ्रेम्स बनाने हैं, इलस्ट्रेशंस यूज करना है, आइकन्स यूज करना है, ऑल द एलिमेंट्स विल बी अवेलेबल हियर इन दिस सेक्शन। Now, here you can use a text, any variation of text you can easily use it here guys, for example heading, subheading, और आपको pre-built template भी मिल जाता है कि इसमें से आप कोई use करना चाहते हो। example मुझे happy birthday का एक logo मुझे अच्छा लग रहा है, sorry not logo but मुझे ये text अच्छा लग रहा है कि मुझे happy birthday इस वजह से लिखना है, तो you just need to click on, आपको सिर्फ click करना है and automatically आपके screen पे आ जाएगा। आप देख रहे हो ये happy birthday का कुछ चीज बाहर निकल रहा है, तो वो आपका drawing में count नहीं होगा, आपको इसको drag करके अपने particular drawing area में लाना है, क्योंकि आपका drawing area व्हाइट वाला सेक्शन होता है। सो गाइस आप देखो कितना अच्छा आपको हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ मिल गया, और इसको अगर आप चेंज करना चाहो तो कुछ भी चेंज कर सकते हो आप, इसका फॉन्ट वगैरह, बट दैट इज नॉट आवर करंट सिनेरियो जो उस पे हम काम नहीं करने वाले हैं। तो अभी आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू कि इसको बैक कर लेता हूं, और बैक करके के बाद यू कैन फाइंड एनी ऑफ द टेम्पलेट ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट के भी टेम्पलेट इट इज अवेलेबल हियर इजिली, यू कैन फाइंड विच इज द बेस्ट वन फॉर यू, आपको कौन सा यूज करना है। इफ यू वॉन्ट टू राइट अ लॉट ऑफ थिंग्स देन यू कैन सिंपली गेट दिस टेम्पलेट फॉर फ्री, यू कैन गेट दिस काइंड ऑफ टेम्पलेट फॉर फ्री, जस्ट क्लिक एंड इट विल बी ऑटोमेटिकली हियर, यू नॉट नीड टू यू नो क्रिएट योर ओन टेक्स्ट हियर, सिंपली यू नीड टू मॉडिफाई। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एंगेज की जगह आई हैव सिलेक्ट दिस वन, और ये एंगेज की जगह वट आई नीड टू राइट, आई नीड टू राइट फॉर एग्जाम्पल wow, so wow is here now. So guys simply this is the only thing which you need to do in the Canva for making anything modify as per you. So now I'm just going to back in. Now it is the background, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि ये यूज कैसे, क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं, उसको यूज कैसे कर सकते हो गाइस। एनी ऑफ द बैकग्राउंड यू कैन टेक इट फ्रॉम हियर, अगर आपको अपने ड्राइंग में कुछ भी एक बैकग्राउंड चाहिए तो यू कैन इजीली क्लिक एंड दैट बैकग्राउंड इज योर्स। उसके ऊपर आपको कुछ भी लिखना है, आपको कुछ भी अदर इमेजेस लगानी है, यू कैन डू दैट। सो बैकग्राउंड इज अनलिमिटेड, यू कैन टेक एनी वन ऑफ द बैकग्राउंड फ्रॉम हियर एंड यू कैन यूज इट एज अ बैकग्राउंड। उसके ऊपर आप जो भी लिखना चाहो दैट योर विश, यू कैन डू इट। लिखना चाहो कोई और इमेजेस डालना चाहो दैट यू कैन यूज। अभी मैं बाद में बताऊंगा कि इस चीज को कैसे यूज करते हैं, बट अभी पहले सीख लो। अपलोड्स में क्या है, अपलोड्स में यू कैन यूज योर ओन इमेजेस। फॉर एग्जांपल कुछ इमेजेस मुझे कैनवा में नहीं मिल रहा, मुझे एलिमेंट्स में जाके अपने फ्री फोटोज में वो इमेजेस नहीं मिल रहे हैं, व्हाट आई कैन डू, आई कैन हैव माय ओन इमेजेस। मैं अपने इमेजेस को यहाँ पर अपलोड कर सकता हूँ लाइक दिस, यू कैन सी दैट दीज ऑल आर माई इमेजेस विच आई हैव अपलोडेड हियर एंड आई कैन यूज इट इन माई पर्टिकुलर ड्रॉइंग। मैं इसको अपने ड्रॉइंग में यूज कर सकता हूँ लाइक दिस। Isn't it great guys? So, इससे बेटर और क्या हो सकता है? So, this is what exactly I wanted to tell you, कि आपको इस तरह से
अपने इमेजेस आप अपलोड करके यहाँ पर यूज कर सकते हो। रेस्ट आपको बाकी चीजें देखने की जरूरत नहीं है। फोल्डर होता है कि आप आपके परचेज, आपने कितने इमेजेस या कितने वेक्टर्स या डिजाइन आपने परचेज किए, वो सारा ऑटोमेटिकली इधर आ जाएगा और बाकी चीजें आपके डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर्स में आ जाएंगे। तो बेसिकली परचेज फोल्डर ही देखा जाता है। और एप्स में कुछ नहीं है गाइस, एप्स में क्या है कि कैनवा के कुछ प्रीमियम वर्जन के एप्स हैं जो कि मैक्सिमम आपको प्रो दिख रहा होगा। प्रो तो एनिमेशन प्रो चाहिए तो आपको एनिमेटेड टाइप चीजें भी आपको कैनवा में मिल जाएंगी। तो ये सारे एक्स्ट्रा एडॉन्स हैं जो कि आप ले सकते हो, इमोजीज वगैरह, फेसबुक के कुछ फोटोज वगैरह, आप इजीली इसको यूज कर सकते हो हेयर इन दिस कैनवा। सो बेसिकली आपको इसके ऊपर की चीजें को यूज करना है। ओके, सो नाउ लेट्स बिगिन विद। सबसे पहले मैंने क्या किया गाइस, मैंने एक लोगो बनाना है तो आई नीड अ टेम्पलेट फर्स्ट। टेम्पलेट के लिए गाइस आपको क्या करना है, फर्स्ट सी कि विच इज द बेस्ट लोगो यू आर फाइंडिंग फॉर योर ब्रांड। हर ब्रांड का एक लोगो होगा। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज क्लियरली विजिबल दैट दिस लोगो इज फॉर अ काइंड ऑफ अ रेस्टोरेंट। अगर मैं कोई रेस्टोरेंट या फूड से रिलेटेड मैं कोई भी एक ब्रांड चलाता हूँ, देन डेफिनेटली दिस इज द राइट टेम्पलेट फॉर मी। बट इफ इट इज नॉट अ फूड बिजनेस, फूड ब्रांड, देन यू बेटर फाइंड अ डिफरेंट थिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई डायमंड ज्वेलरी या इस टाइप का बिजनेस चलाता हूँ, तो दैट विल बी मोर बेटर फॉर मी कि दिस कुड बी द बेटर काइंड ऑफ टेम्पलेट फॉर मी टू गेट माई ओन लोगो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्शन। एक्शन से रिलेटेड अगर आप कुछ एमटीवी रोडीज या किस टाइप का ब्रांड चला रहे हो, तो यू कैन फाइंड द बेटर वन, राइट? एंड रोअरिंग रोबोस्टर आपको देखना पड़ेगा गाइस कि आपको बुक्स से रिलेटेड, तो इस तरह से साउंड से रिलेटेड, म्यूजिक से रिलेटेड यू कैन फाइंड दिस कैन इज योर लोगो। फॉर एग्जाम्पल, नाउ आई वुड से कि आई एम, डिड यू गेट दिस गाइस, कल मैंने ये वाला लोगो बनाया था। दैट इज एग्जैक्टली द लोगो विच आई हैव गॉट इट फ्रॉम माई That facts 24 के लिए। तो same way what you need to do, you need to just simply pick it up here, guys। मैं एक fashion brand हूँ, for example मान के चलते हैं। fashion brand के लिए मुझे क्या करना है, मुझे एक अच्छा सा logo यहाँ से fashion related pick करना है, and then I can create a logo easily। If I talk about fashion से related, this could be the fashion related, क्योंकि ये थोड़ा सा fashiony, fashionable and fascinating लग रहा है guys। और इसके अलावा देखो, लोगो बनाने का कोई भी एक फंडा नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये फैशन से रिलेटेड नहीं हो सकता, ये भी हो सकता है। लोगो बनाने का फंडा सिर्फ इतना होना चाहिए कि वो कहीं ना कहीं आप उसे मैच करा दो अपने ब्रांड से, दैट्स इट। जरूरी नहीं कि उसके अंदर फैशन से रिलेटेड टी शर्ट बने हो या जींस पैंट बने हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। बट स्टिल आई वुड से कि आपके हाथ में है कि आप उसे कैसे फैशन रिलेटेड बना दोगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, आई कैन yeah, this is Chimp Apparel. So for example guys, now this is what exactly my Chimp Apparel is, my brand name. For example, brand name change कर लेते हैं। ब्रांड नेम मेरा हो गया कि राधिका फैशन। ये आपका ब्रांड नेम है, राधिका फैशन, आपने ये कर दिया। और यहां पर आपको लिखना है अपना टैगलाइन, फैशन नेवर गोज, फैशन कभी नहीं जाता। एंड नाउ यू कैन चूज एनी वन ऑफ, आपको इसका कुछ अलग से कुछ करना है तो यू कैन बेटर डू दैट। आप इसके साथ कुछ भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको इसको एक बार क्लिक करना है, अगर आपको इसका लोगो कलर चेंज करना है इस पर्टिकुलर चीज का, तो यू कैन गेट योर ओन कलर। आप इसमें चेंजेस ला सकते हो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ योर ब्रांड लुक। तो अगर आपको लग रहा है कि ये आपका ब्रांड है तो आप इसे यूज कर सकते हो। अदरवाइज आपको क्या करना है गाइस, इसको यहां से हटाना है। फॉर एग्जाम्पल, आप इसे यहां से डिलीट करो। डिलीट कर दिया। नाउ लेट्स गो एंड टेक सम अदर आइकन। आइकन के लिए आपको जाना है गाइस एलिमेंट्स पे। एलिमेंट्स पे जाना है और ये जो ऑल का सेक्शन है, एलिमेंट्स पे यू नीड टू फाइंड ग्राफिक्स, गो टू ग्राफिक्स, और यहां से कोई एक आइकन जैसे जिसमें गाइस $1 लिखा होगा, प्लीज डोंट गो फॉर इट बिकॉज दैट इज अ प्रीमियम वर्जन, बट दिस इज फ्री। व्हाई? बिकॉज देयर इज नो price of it, but yes, ये भी free नहीं है, I'm sorry, क्योंकि आपको इसके ऊपर ये जो bar, ये दिख रहे हैं lines दिख रहे हैं, it means it's not free, so I can delete it right away, and I can find a better option here, which is free. So Radhika fashion के लिए I can find a better icons here. What I can do guys, I can simply need to search के time पे what you can do, just give me a moment. एक काम करते हैं, दोबारा एलिमेंट पे जाते हैं। एलिमेंट पे जाने के बाद लेट्स गो एंड ओके
सो क्रॉस करते हैं, लेट्स गो एंड फाइंड समथिंग इन illustrations पे जाते हैं, illustrations पे या सॉरी icons पे जाते हैं, icons पे all कर देते हैं, and in icons we can find a fashion thing like here which could be free. Free का ध्यान रखना कि free होना चाहिए, and I better can say कि कुछ मिल जाए. Guys again थोड़ा सा patience आपको रखना है. फैशन से रिलेटेड आइकन्स मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, या फिर मैं देख नहीं पा रहा हूँ बिकॉज मैं फैशन से रिलेटेड कोई भी काम मैंने अभी तक तो अपने लिए नहीं किया है. अदरवाइज आई कैन गेट इट. ये काम करते हैं, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ. फैशन well fashion से related तो नहीं आया ये. let's go and write fashion. how get it guys, मुझे मिल गया लेकिन ये premium है. so अगर आपको लग रहा है कि premium है लेकिन आपके लिए beneficial है तो guys you should buy it. आपको उसको buy कर लेना चाहिए, सिर्फ $1 की बात है guys, 60 rupees and your job is done. so guys इस तरह से आप अपना एक logo बना सकते हो. so now guys this become your logo. This is exactly the logo for your business. ठीक है? I don't know whether I placed it well or not. मैं इसको इसके ऊपर भी रख सकता हूँ and like this and the whole thing I can drag it like in the center. So guys now this become my logo. So this is exactly I was telling you guys कि आपको क्या करना है. Just you need to have a presence of mind. How creative you can be and then accordingly you can just simply create your own logo. So now the Radhika fashion never goes. इसमें आपका एक image भी आ गया, इसमें आपका आपका brand name भी आ गया और आपका tagline भी आ गया. And if you want कि हाँ ये जो tagline है ये इससे match नहीं हो रहा है क्योंकि different color हो गया, तो what you can do, you can change the color from here. That's simply on your wish. Or इस पिंक को, ये जो पिंक वाला पार्ट है इसे आप ब्लैक कर सकते हो. सो नाउ गाइस सी दिस बिकम्स योर लोगो. वंडरफुल, इजंट इट रियली वंडरफुल गाइस. इस तरह से आपको अपने ब्रांड के लिए लोगो बनाना आना चाहिए. सो गाइस दिस इज सो सिंपल आई एम टेलिंग यू, एंड इफ यू रियली फील दैट यस दिस इज अमेजिंग ट्रिक, अमेजिंग थिंग व्हिच यू कैन डू इट फॉर योर ओन ब्रांड लोगो, सो आई एम गिविंग यू an opportunity. Please learn Canva right this way. Jaise aur practice karo and create a logo for you, and this will be the task also. So guys now what you need to do, aapko sirf simple is logo ko karna hai download, and you can see that the download option is available here in this section. So now what you can do guys, you can simply go and download it. So download karne ke liye aapko kuch bhi nahi karna hai, simple aapko ya to direct aapko ye download pe click karna hai, aur ab aapko ye option de raha hai ki kya aap is download ka jo file type hai use kya rakhna chahte ho. So I always prefer ki aap ise png ya fir aap pdf zarur kare. pdf isliye karenge kyunki guys pdf में बहुत ही शार्प इमेज आपको मिलेगी, और पीएनजी में भी शार्प हाई क्वालिटी इमेज मिलेगी, लेकिन जेपीजी में ना आपको हाई क्वालिटी इमेज नहीं मिलेगी. तो पीडीएफ इसलिए करो क्योंकि ताकि कोई भी उसको आगे जाके, आपके पास एक पीडीएफ वर्जन रहना चाहिए, अनएडिटेबल वर्जन आपके लोगों का हमेशा होना चाहिए. तो ऑफकोर्स आई वॉन्ट, लेकिन अगर आपको किसी वेबसाइट या कहीं पे उसे यूज करना है, लाइक फेसबुक के प्रोफाइल पिक्चर में कहीं भी यूज करना है, तो ऑलवेज यूज द पीएनजी. तो पीएनजी बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड होता है, एंड नाउ यू नॉट नीड टू जस्ट गो एंड क्लिक. आपको ये वन प्रीमियम इमेज कुछ भी नहीं करना है, ये प्रीमियम इमेज के लिए आपको प्राइस पे करना पड़ेगा. आई थिंक सो कि ये आपका प्रीमियम इमेज, क्योंकि मैंने कहा था ना ये प्रीमियम इमेज है गाइस जो मैंने लिया था. तो अब मुझे इसको डाउनलोड करने के लिए मुझे ये पे करना पड़ेगा $1. अगर मुझे ये $1 में पे लेना है, अगर मुझे इस इमेज को रखना है अपने इसके अंदर, तो मुझे एनी हाउ $1 पे करना पड़ेगा. आई डोंट थिंक सो, $1 मतलब 70 rupees में अगर आपको लोगो फ्री में मिल रहा है इतना अच्छा, so you should always you should wait for it. I don't think so. ठीक है, so now मैं आपको इसको क्या दिखा रहा हूँ, मैं इसको डाउनलोड करके दिखा रहा हूँ विदाउट पेइंग. डाउनलोड अ वाटरमार्क ड्राफ्ट, आप इसका वाटरमार्क वर्जन डाउनलोड कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, जैसे राधिका फैशन, मैंने इसको डाउनलोड कर लिया. नाउ आई कैन सिंपली ओपन इट लाइक दिस,
ये आप तब करते हो जब आप किसी क्लाइंट के लिए काम करते हो, और क्लाइंट के लिए काम करते वक्त आप उसे क्या कर सकते हो, उसे पैसे जब तक वो नहीं पे कर रहा, until and unless they are paying you, so you can show them a drafted version कि मैंने आपके लिए इमेज ऐसे बनाया है. So now you can see that कि this is the drafted version, यहाँ पर कैनवा लिखा होगा, छोटा सा कैनवा आपको यहाँ पर लिखा होगा इस इमेज के ऊपर. That is the reason. अगर आपको नहीं दिख रहा है तो that is fine, अगर आपको यही चलाना आप चला सकते हो, otherwise now it becomes your logo. आप इस logo को आराम से यूज करो अपने पर्टिकुलर use के लिए. So guys, now you can see that ये जो छोटा सा कैनवा यहाँ पर लिखा रहा है, बस उतना ही लिखा आएगा, ज्यादा कुछ नहीं लिखा आएगा. You can see that here. So this is what exactly how you can download any type of logo by creating simply it on the Canva. But अगर आप इसे कमर्शियली यूज करना चाहते हो तो आई वोंट सजेस्ट यू कि यू शुड गो एंड यूज कमर्शियली विदाउट पेइंग, क्योंकि इसके ऊपर कैनवा लिखा हुआ है. कैनवा कैन क्लेम इट एनी टाइम दैट दिस इज देयर इमेज, यू हैवंट पेड दिस इमेज प्राइस और फीस टू देम, और वो क्लेम करके आप पे कुछ भी लीगल एक्शन ले सकते हैं. कमर्शियली मत यूज करना, बट आप ऐसे सिंपल यूज करना चाहते हो, यू कैन यूज दैट. आई होप सो फार सो क्लियर. सो गाइस, दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट योर ओन वेल ब्रांडेड लोगो फॉर योर ओन बिजनेस. सो गाइस, दिस इज रियली ग्रेट बिकॉज आई रियली फाउंड इट वेरी वेल फॉर माई बिजनेसेस. जितने भी मेरे आगे लोगो बनते हैं, मेरे ऐसे ही बनते हैं. अगर आपको भी ऐसे ही कुछ यूज करना है तो यू कैन सिंपली यूज इट लाइक दिस. ओके, सो गाइस नाउ सीख लेते हैं कि कैसे हम एक इमेज भी बना लेते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कैनवा, विच इज वेरी इजी. जैसे हमने अभी लोगो सीखा, तो लोगो के साथ लोगो में भी हमने कुछ नहीं किया था, टेम्पलेट यूज किया, साइज यूज किया एंड मेरा लोगो बन गया. उतना ही इजी रहेगा अब से आप लोगों के लिए किसी तरह का इमेज बनाना. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं, अब मुझे एक सोशल मीडिया के लिए पोस्ट बनाना है, सोशल मीडिया में मुझे पोस्ट करना है मेरे प्रोडक्ट के बारे में, या फिर इनफैक्ट कोई भी एक मेमेज जैसे कहते हैं फनी जोक्स वगैरह, ऐसे कुछ भी अगर मुझे सोशल मीडिया के लिए पोस्ट बनाना है, तो नाउ द नेक्स्ट थिंग विच यू विल बी डूइंग अगेन, जैसे मैंने यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले आप सबके सामने क्रिएटर डिजाइन में जाके मैंने लोगो सिलेक्ट किया था एज अ साइज, मतलब लोगो का टेम्पलेट सिलेक्ट किया था. नाउ मुझे सोशल मीडिया का टेम्पलेट सिलेक्ट करना है यहाँ से, विच यू विल बी इजिली फाइंडिंग हियर, आपको यहाँ इजिली मिल जाएगा फॉर फेसबुक पोस्ट. अगर मुझे वही सेम चीज इंस्टाग्राम के लिए बनानी है तो मुझे इंस्टाग्राम का भी यहाँ पर अवेलेबल मिल जाएगा. तो लेट्स डू वन थिंग गाइज, इंस्टाग्राम में हम इसको इंस्टाग्राम का बनाते हैं या फेसबुक का बनाते हैं, दोनों में से कोई भी एक आप बना सकते हो. तो अभी मैं आप लोगों को फेसबुक का बनाकर दिखाता हूँ. लेट्स क्लिक हियर. जैसे आप क्लिक करते हो गाइज, आपके पास एक नया ऑप्शन ओपन हो जाता है, नया टैब ओपन होता है, जिसमें आपको ये ड्राइंग एरिया मिल जाता है. जैसे आपको ये ड्राइंग एरिया मिल जाता है, और उसके साथ द बेस्ट पार्ट कि आपको इतने सारे फ्री में टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, जिसको आपको सिर्फ यूज करना है और उसमें सिर्फ कुछ चीजें चेंज करके अपना पूरा ब्यूटीफुल सा पोस्ट बना लेना है. नाउ आई वुड लाइक टू शो यू हियर कि यहाँ पर कितने सारे फ्री में टेम्पलेट्स अवेलेबल है गाइस, जो कि बहुत अमेजिंग है इस कैनवा में. अगर मैं बात करूं कि आपको यहां से कोई भी टेम्पलेट पसंद नहीं आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये टेम्पलेट किस लिए हो सकता है, ये टेम्पलेट हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि मुझे फैशन अपने स्वेटर का प्रमोशन करना है या कुछ करना है, तो आई कैन जस्ट इजिली क्रिएट दिस एज अ टेम्पलेट. सिर्फ इसमें सिर्फ मुझे अपना बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, ये वाला कलर जैसे कि ये ब्लू कलर है, इसे मैं अपने ब्रांड कलर में चेंज कर दूंगा. और आई कैन जस्ट write my own words, I can write anything here, I can just change this, modify कर सकता हूँ, मैं अपने इस image को भी modify कर सकता हूँ. अगर आपको यही बनाना है, that is fine. अगर आपको change करना है, तो मैं आपको suggest करूँगा guys, आप एक blank option पे जाओ, कि ये blank पाउट है, आपको template की जरूरत नहीं है. Don't use templates. अगर आपको template use करना है, तो भाई वो भी एक बहुत अच्छा solution है. Template में क्या है, आपको सिर्फ select करना होता है, और इसके अलावा आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर चेंजेस करने होते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपको ये दिख रहा है, ये फोर डिफरेंट अलग अलग इमेजेस हैं. एक इमेज ये है, एक इमेज ये है, दिस वन द अदर इमेज, दिस वन द अदर इमेज. अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए तो आप ये भी कर सकते हो. एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूं. मैं एक डिजिटल मार्केटिंग के लिए फेसबुक पोस्ट बना रहा हूं, तो इसके में मुझे लिखना है लर्न, फॉर एग्जाम्पल लेट मी जस्ट डू इट राइट नाउ गाइस, लर्न डिजिटल मार्केटिंग. तो मैं यहाँ पर जो भी आपको लिखना है, फॉर एग्जाम्पल फॉर योर ब्रांडिंग रॉय डिजिटल, और यहाँ पर आपका अपना टैगलाइन वी हेल्प यू लर्न डिजिटल मार्केटिंग. सो गाइस यहाँ पर मैंने बना लिया. अब ये जो इमेज है, ये इमेज रेलिवेंट तो हो नहीं रहा डिजिटल मार्केटिंग से, ये तो वाइल्ड लाइफ या फिर टूर या ट्रैवल से रिलेटेड इमेजेस हैं. आई कैन चेंज इट ऑल्सो. अब मुझे क्या करना है गाइस, यहाँ पर सिंपल जाना है और यहाँ पर लिखना है मार्केटिंग, क्योंकि मुझे मार्केटिंग से रिलेटेड जो इमेजेस चाहिए
टेम्पलेट में जाके, फोटोज में जाके, नाउ यू हैव टू राइट मार्केटिंग. आपको मार्केटिंग से रिलेटेड इमेजेस चाहिए. सो नाउ गाइज आपको देखो मार्केटिंग से रिलेटेड इमेजेस मिल गए हैं. अब मुझे क्या करना है, जैसे ये डिजिटल मार्केटिंग है लेकिन ये $1 का, आई कैन नॉट यूज इट. मुझे क्या करना है गाइज, ये वाला ऑनलाइन मार्केटिंग फ्री में मिल रहा है, आई कैन जस्ट क्लिक इट और यहाँ पर आ जाएगा. गाइज अब मुझे इस इमेज को इस बॉक्स में लाना है. ये जो पीछे बॉक्स दिख रहा है आपको, ये जो पीछे बॉक्स मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, इस पर्टिकुलर बॉक्स में लाना है. इसके लिए आपको सिलेक्ट करना है और सिर्फ इमेज को ड्रैग करके वहां पेस्ट कर देना है. खाली ड्रैग करना है, वो ऑटोमेटिकली वहां पर सेट हो जाएगा एज अ प्रॉपर इमेज लाइक दिस बैकग्राउंड. अब मुझे एक और इमेज चाहिए बिकॉज मुझे ऐसे ही 4 इमेज चाहिए. तो 4 इमेजेस के लिए ये भी फ्री है तो मैं इसको राइट में लगा देता हूँ लाइक दिस. अनदर वन इमेज आई नीड टू चेक अ डिफरेंट इमेज. टारगेट ऑडियंस ये अच्छा लगा मुझे सेलेक्ट, लेकिन टारगेट ऑडियंस सॉरी ये $1 आई हैव टू पे. गाइस देखो पे के बारे में सोचना मत अगर आपको वो इमेज चाहिए तो, क्योंकि इतने सस्ते में $1 में कोई एक ग्राफिक इमेज मिल जाना इट इज इम्पॉसिबल. क्योंकि अगर आप किसी एक डेवलपर को भी हायर करोगे, एक ग्राफिक डिजाइनर को हायर करोगे, तो वो इससे ज्यादा कहीं ना कहीं चार्ज कर ले. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंट थिंग, चेक कर लेते हैं. और एग्जाम्पल लेट्स सी, मैं इसको लेता हूँ, दिस इज रिलेटेड टू एनालिटिक्स. तो ये ऐसे आ गया, खैर ये ब्लर ब्लर सा लग रहा है, सो आई एम नॉट फाइंडिंग इट गुड. लेट मी जस्ट गो, ये भी $1 का है, आई डोंट वांट इट. मार्केटिंग से रिलेटेड ऊपर ही जितने इमेजेस थे उसको ही मुझे यूज करना होगा शायद. फ्री है, दैट्स फ्री, लिखियो एंड देन गेट द अदर वन, दैट्स यस. सो गाइस अब मुझे बताओ इससे बेटर कोई इमेज आपको मिल सकता है क्या? This is the one of the best image that you have got right now as per your social media post. अब आप इसे social media के लिए आप image as it is ready है. And the best part about this कि this is a free image for you without any copyrighted material. इसमें एक भी ऐसा नहीं है जो दुनिया में कोई claim कर सकता है कि this is copyrighted material और इसके लिए आपको strike मिलेगा या फिर इसके लिए आपके ऊपर legal issue होगा या फिर Google आपको ban कर देगा. No such consequences at all. So this is how exactly by the using of Canva template you can create any of the images in this world. अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इसको करना है डाउनलोड. डाउनलोड के लिए अगेन आपको राइट टॉप में जाना है एंड क्लिक ऑन डाउनलोड. द मोमेंट यू विल क्लिक ऑन डाउनलोड एंड इट विल गिव यू एन ऑप्शन टू डाउनलोड. सो गाइस नाउ अब मैं आप लोगों को ये जो हमने टेम्पलेट यूज करके कैसे बनाया ये चीज सीखा है हमने. नाउ लेट्स गो एंड लर्न कि हाउ वी कैन यूज अ ब्लैंक ड्रॉइंग a blank drawing to into our own very much good effective image for the social media profile or social media post, right? So let's do that thing also. So guys, जैसे कि ये template है, अब मुझे template नहीं चाहिए, तो again उसके लिए मुझे क्या करना है, मैं इसको कर देता हूँ बंद. Guys, download करना है, आपको download कर लेना. But अब next time के लिए मैंने एक नया blank, बिल्कुल blank एक drawing बनानी है. तो blank drawing के लिए मुझे क्या करना है guys? मुझे area मिल गया है blank area. I not need to just go for this template. Otherwise template बहुत अच्छे होते हैं. मैंने आपको एक काम करके already practice करके दिखा दिया है. Now you आप कैसे करोगे वो आप डिसाइड करोगे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट गाइस. सबसे पहले मुझे अपने एक इमेज के लिए नंबर वन चीज चाहिए होती है, वो चाहिए होते हैं बैकग्राउंड. सो बैकग्राउंड के लिए यू नीड टू गो टू बैकग्राउंड. गाइस बैकग्राउंड में आप चेक कर लो कि किस टाइप का बैकग्राउंड आपको लेना है. दैट विल बी कंप्लीटली ऑन योर चॉइस और योर स्ट्रैटेजी, की वो स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए. अगर मैं बात करूँ कि मुझे एक पानी का उसमें वो दिखाना है, थॉट प्रोसेस देना है या फिर काइंड ऑफ अ वाटर आई नीड टू पुट इट इन द बैकग्राउंड, सो आई कैन गेट दिस काइंड ऑफ इमेजेस जिसमें वो थोड़ा सा ब्लर है, नीचे थोड़ा सा इमेज है, दैट इज अ बैकग्राउंड, दैट विल बी ट्रीटेड एज अ बैकग्राउंड. सो इफ आई गेट अ बैकग्राउंड यू कैन चूज एनी ऑफ द बैकग्राउंड लाइक दिस. That's completely on your guys, you know, creativity. कि आप क्या करना चाहते हैं. For example, I need a road. For example, I'm going to show you a career kind of a image graphic. So what I can do, I can simply get it as a road. कि career कैसे आपका जाएगा, आगे जाएगा वगैरह and all. So this kind of all the images as a background, you can choose it from here, which all are absolutely free. So as you can see that, right? So ऐसा ही कुछ मैं यहाँ से अभी pick कर लेता हूँ. For example, this is a music बंदा वो guitar लेके हाथ में है. आपको लग रहा है ये ठीक है, इट इज फाइन. इफ यू डोंट वांट टू गो फॉर दिस काइंड ऑफ इमेजेस यू कैन बेटर टू चूज अ डिफरेंट काइंड ऑफ बैकग्राउंड हियर. बहुत ज्यादा बैकग्राउंड का ऑप्शन नहीं है बट जितने हैं वो भी काफी इनफ होते हैं. तो मैंने यहां से क्या कर लेना है, मैंने इसको ये लेना है. तो गाइस मेरा बैकग्राउंड सेट हो गया. नाउ बैकग्राउंड के बाद आई नीड टू गो टू एलिमेंट्स. अब मुझे एलिमेंट्स चाहिए. एलिमेंट्स में मुझे बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं. एलिमेंट्स में मुझे फोटोज मिलने वाले हैं. ग्रिड स्क्रिप्ट का कोई ऐसा यूज नहीं है. ग्राफ्स यूज कर सकते हो आप, शेप्स यूज कर सकते हो आप, लाइंस यूज कर सकते हो. तो फॉर एग्जांपल मैं अभी क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर एक
शेप यूज कर लेता हूँ। गाइस शेप के लिए मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पर कोने में कुछ लिखना है, तो आई कैन सिंपली गो एंड टेक द शेप एंड इसको यहाँ पर ऐसे पेस्ट कर देता हूँ लाइक दिस। सो आई कैन राइट समथिंग हियर एज एज माय ओन कंटेंट। मैं यहाँ पर कंटेंट के तौर पर लिख सकता हूँ। इस शेप का कलर भी चेंज कर सकते हो, आपको शेप को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यू नीड टू जस्ट क्लिक हियर इन द कलर सेक्शन एंड कैन गो एंड पुट एनी ऑफ द कलर व्हिच यू वुड लाइक टू बी योर ओन कलर लाइक दिस। आप यहाँ पर ऐसे करके सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, फॉर एग्जाम्पल जो भी अच्छा लगेगा, कॉन्ट्रास्ट करेगा, मैं उस कलर को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। आई कैन से दैट आपको ज्यादा कलर चाहिए तो आपको और माइन्यूट कलर चाहिए तो आप इजीली, मैंने क्या किया कि आपको यहाँ पर इसमें प्लस में जाना है तो आप इसमें माइन्यूट कलर भी ढूंढ सकते हो कि और भी, क्योंकि वो तो पैलेट कलर है। पैलेट कलर में क्या होता है कि आपको सिंपली कलर डिसाइड करके दे दिया जाता है, बट अगर आपको माइन्यूट कलर चाहिए होते हैं कि मुझे नहीं बिल्कुल ही एज इट इज मेरे कोड का कलर चाहिए, तो यू कैन सिंपली गो एंड डू दिस वे ऑल्सो, जैसा मैं कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। तो फॉर एग्जाम्पल ये वाला कलर इज माई ब्रांड कलर, ये इससे रिलेटेड है, तो मैंने इस कलर को पिक कर दिया और देन आई गो बैक एंड माय जॉब स्टार्ट। अब मुझे क्या करना है गाइस, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ ताकि एरिया मुझे ज्यादा मिल जाए। नाउ ये एरिया पे मुझे अब लिखना है, ठीक है, आई नीड टू राइट इट। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ और मैं इसको ऐसे करके ऊपर भी लगा सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आई कैन गेट इट हेयर ऑल्सो, ठीक है, तो मुझे ऐसे भी लगाने को मिल गया। या फिर इनफैक्ट अगर आपको इसको यहाँ पर चाहिए तो इसे राउंड कर लो और आप इसे यहाँ पर यूज कर लो। फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा इसको काम करके आप यहाँ पर यूज कर लो, तो मैंने इसको यूज कर लिया। नाउ टेक्स्ट पे जाना है गाइस, क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ लिखना है, तो आई नीड टू फाइंड अ बेटर, अगेन टेक्स्ट में भी टेम्पलेट्स मिलते हैं आपको, ये टेम्पलेट्स आप यूज कर सकते हो। जैसे हैप्पी बर्थडे है तो आपका हैप्पी बर्थडे का टेम्पलेट आपको ऐसे मिल जाएगा, यू कैन यूज इट लाइक दिस। वो अभी कैसे सेट करना है मैं बता दूंगा, बट टेम्पलेट भी आपको इसमें मिल जाएंगे। ओके, बट इफ यू डोंट वॉन्ट टू गो फॉर टेम्पलेट तो मैं ऐसे कर देता हूँ कट, और मैं यहाँ से डायरेक्ट अपना खुद का हेडिंग लिखूंगा और उसको मैं अपने अकॉर्डिंग सेट करूंगा। नाउ फॉर एग्जाम्पल आई नीड टू राइट हियर कि अ जर्नी टू योर डिजिटल मार्केटिंग करियर। तो गाइस अब मुझे इसको ऐसे करके सेट करना है। गाइस देखो अब ना ये मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज समझाना चाहता हूँ, जैसे कि ये यहाँ से आपका ट्रायंगल है और यहाँ से स्ट्रेट है, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ से जो अल्फाबेट्स हैं वो ऐसे डायगोनली चले बट यहाँ से स्ट्रेट चले। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे टेक्स्ट सिलेक्ट करना है, टेक्स्ट सिलेक्ट करने के बाद मुझे अलाइनमेंट पे लेफ्ट करना है ताकि यहाँ तो स्ट्रेट रहे और यहाँ का ऐसे डायगोनली चले। तो मैंने इसको सिलेक्ट ऐसे कर लिया लाइक दिस आपके सामने। तो अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट करना है मुझे अ जर्नी टू योर डिजिटल मार्केटिंग करियर प्लस हेयर एट रॉय डिजिटल। अब रॉय डिजिटल बाहर निकल रहा है तो आई डोंट वॉन्ट दैट, सो मैं क्या करूंगा हेयर At here we can help you to learn digital marketing। अब marketing जो बड़ा हो गया तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। Here we can help you to learn at Roy at our रॉय डिजिटल लिख सकता है नहीं तो रॉय डिजिटल। तो इस तरह से आपने क्या किया, आपने इसको ऐसे लिख दिया सो दैट ये एरिया जो है बहुत अट्रैक्टिव है क्योंकि ये सबसे पहले पढ़ने में आता है। गाइस कभी भी कोई भी चीज अगर आपको अपना रीड कराना है या फोकस कराना है तो वो कभी भी सेंटर नहीं होता है, वो होता है जो राइट से एरिया होता है, राइट टॉप का जो एरिया होता है, दैट इज ऑलवेज द फर्स्ट विजिबिलिटी दैट पीपल गेट टू नो। अब मुझे इसका क्या करना है, मुझे इसको चेंज करना है, इसके कलर चेंज करना है। तो नाउ सिलेक्ट द फॉन्ट, फॉन्ट सेलेक्ट करने के बाद यू कैन क्लिक हियर एंड चूज योर कलर कि कौन सा कलर कॉन्ट्रास्ट करेगा फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। सो नाउ माई जॉब इज डन गाइस, मुझे क्या करना है, अब मुझे इसको ठीक करना है लाइक दिस। आपको लग रहा है ये सेट नहीं हुआ है तो सेट आप कर सकते हो, आप इसमें एड यहाँ पर ले आओ और ये गाइस थोड़ा सा आपको यहाँ पर अपना मैनुअल वर्क करना पड़ेगा। सो नाउ देखो डायगोनली परफेक्ट हो गया, डायगनली दिस थिंग इज अमेजिंग नाउ। सो नाउ व्हाट एग्जैक्टली यू डिड, आपने थोड़ा सा इधर उधर हिलाया अपना माउस कर्सर, अपना क्रिएटिविटी एंड आपने कर लिया डन, थिंग इज क्लियर। नाउ व्हाट आई कैन डू, आई वांट टू हैव माय लोगो हियर, मुझे अब लोगो भी यूज करना है। तो लोगो के लिए आपको क्या करना है, यू नीड टू गो एंड अपलोड योर ओन लोगो इन द अपलोड सेक्शन। आपको अपलोड सेक्शन में जाकर अपना लोगो अपलोड करना है और आपको अपलोड करने का ऑप्शन मिल गया और आपको लोगो यहाँ पर इसको सेट करना है
लाइक दिस। तो मैंने लोगो भी यहां पर लगा दिया, ठीक है। एंड देन लेट्स गो टू द एलिमेंट्स, एलिमेंट्स पर देख लेते हैं, क्रॉस कर दिया। अब देख लेते हैं और क्या मिल सकता है मुझे यहाँ पर। मैं एक लाइन लेता हूँ, इस लाइन मैंने यहाँ पर ले लिया। लाइन क्यों लिया, अगेन मेरे पास कोई रीजन नहीं है, बट मैंने ले लिया क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पर लिखना है, कहाँ गया टेक्स्ट, लेट्स गो टू टेक्स्ट, और मुझे यहाँ पर लिखना है दिस वन डिजिटल मार्केटिंग। थोड़ा सा लाइन को ऊपर कर लेते हैं, लाइन इफ यू वांट टू जस्ट शॉर्ट डाउन, आप छोटा भी कर सकते हो इसे लाइन को, या इनफैक्ट यहां पर ला सकते हो, एंड फिर आप इसे मूव करके आप इसे भी यहां ला सकते हो लाइक दिस। एंड मैंने यहां पर लग दिया लर्न डिजिटल मार्केटिंग, और इस लाइन को आप कॉपी करो, राइट क्लिक, सॉरी ऐसे कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करोगे दो आ जाएंगे, और इस तरह से। सो गाइज नाउ आपका सोशल मीडिया के लिए पोस्ट रेडी है, इजंट इट रियली ग्रेट। सो गाइज दिस इज व्हाट एग्जैक्टली यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच एंड यू कैन क्रिएट एनी टाइप ऑफ ग्राफिक्स विद योर ओन प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड क्रिएटिविटी। टेलिंग यू कैनवा कुड बी द बेस्ट टूल फॉर यू इफ यू रियली वॉन्ट टू गो एंड प्रैक्टिस फॉर अ रियल टाइम एंड अ क्विक इमेज डिमांड आपकी पूरी यहाँ पर हो सकती है। सो गाइज मेरा प्रेफरेंस हमेशा कैनवा रहेगा। इसके अलावा अगर आपको फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर एंड कोरल ड्रॉ ये सब सीखना है, देर इज नो प्रॉब्लम इन दैट ऑल्सो, यू कैन ऑल्सो गो एंड लर्न। बट एज अ डिजिटल मार्केटर वी नीड अ क्विक थिंग, वी डोंट वॉन्ट टू वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम टू जस्ट बाय डूइंग अ वेरी माइन्यूट डिटेलिंग एंड ऑल। इसमें ग्राफिक्स में हम ये सब करेंगे तो हमारे लिए टाइम वेस्ट है, आई डोंट वॉन्ट दैट। सो व्हाट आई वॉन्ट गाइज, आई वॉन्ट यू टू पीपल गो एंड टेक ईजी थिंग्स in your way. So guys, that's all from here in this computer screen. So computer screen ka kaam mera khatam ho chuka hai, so I hope you will definitely understand ki ye aapko kaise help kar sakta hai and aap iska use aage jaake kaise kar sakte ho. So guys, aap logon ko ye tutorial kaisa laga? That's all for the day and wait for my next video. So till then guys, have a nice day. Bye bye.